इन्हें खाने से बढ़ता है 100% हार्ट अटैक का खतरा। चिप्स में सोडियम की मात्रा आपके हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सोडियम का अधिक सेवन रक्तचाप में वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे स्ट्रोक, दिल की विफलता, कोरोनरी हृदय रोग और गुर्दे की बीमारी हो सकती है। आलू और मकई के चिप्स में सैचुरेटेड फैट होता है, जो पेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। यही नहीं, इन चिप्स में जरूरत से ज्यादा नमक होता है, जो दिल की कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको कभी दिल का दौरा पड़ा है या आप दिल की किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो आपको कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, साथ ही यह बीपी बढ़ाने का भी काम करता है, इसलिए दिल के मरीजों को इसके सेवन से बचना चाहिए। जंक फूड के अधिक सेवन से दिल की सेहत को भी नुकसान पहुंचता है, इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों की पल्स रेट तेजी से बढ़ती है, उन लोगों को भी कॉफी नहीं पीनी चाहिए। कॉफी बीपी और पल्स को तेजी से बढ़ाने का काम करती है। कॉफी में मौजूद कैफीन इसे नशीला बना देता है। यदि आप इसे लंबे समय तक पीने के बाद कॉफी पीना बंद कर देते हैं, तब भी इसके प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सिरदर्द, ब्रेन फॉग, थकान और चिड़चिड़ापन। स्तनधारी प्रजातियों का लाल मांस है, जिसमें बीफ, पोर्क और भेड़ आदि शामिल हैं। मांस का रंग जितना लाल होगा, उसमें फैट उतना ही ज्यादा होगा। इसके कई फायदे पाए जा सकते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि फैट और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जो मोटापे का कारण बन सकता है। दिल की बीमारी, मोटापा लिवर जैसी बीमारी को दावत दे सकता है। यह मूल रूप से जानवरों की चर्बी से निकाला गया अर्क था, लेकिन आज मार्जरीन ज्यादातर वनस्पति तेलों से बनाया जाता है, जिसमें मकई, बिनोला, कुसुम, सोया और सूरजमुखी शामिल हैं। मक्खन में संतृप्त वसा होती है। एक चम्मच में लगभग 7 ग्राम फैट होता है। इसके अधिक सेवन से आपका एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है और इससे रक्त के थक्के, स्ट्रोक और दिल के दौरे का खतरा बढ़। चाइनीज फूड में मिला अजीनोमोटो आपकी भूख बढ़ाने का काम करता है। अजीनोमोटो के सेवन से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको हाई बीपी के साथ साथ मांसपेशियों और घुटनों के दर्द की समस्या हो सकती है। चाइनीज फूड में फाइटोएस्ट्रोजन तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे ब्रेस्ट कैंसर, नपुंसकता, सेक्स की इच्छा में कमी और एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं होती हैं।